भगवान एकांत में जाकर आनंद पाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों इतने दिनों से तुम मेरे साथ में रास रचा रही हो, आज तक मैंने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, आज मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारा मुंडा देखूं, तुम्हारा मुख देखूं। शंकर जी को लगा आज ही देखना जरूरी था। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों लाइन से खड़े हो जाओ। शंकर जी भी लाइन से खड़े हो गए, सबसे आखिरी में। भोलेनाथ ने सोचा आखिरी में खड़ा होऊंगा, जब दर्शन करते करते आएगा भगवान कृष्ण आएंगे, मैं वहीं से खसक जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, गोपियों मैं उधर से मुंह देखना चालू करूंगा। शंकर भगवान उधर से निकले, इधर आखिरी में खड़े हो गए। भगवान कृष्ण कहने लगे, मैं इधर से मुंह देखना चालू करूंगा। भगवान कृष्ण को लग रहा था ये कभी भी खसक जाएंगे, इसलिए इनको बीच में फंसाना जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने जैसे कहा, शिव जी आदि गोपी उधर, आदि गोपी उधर, बीच में शंकर भगवान खड़े हो गए। मुख देखते 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 शिव जी के पास में पहुंचे। घूंघट बड़ा सा था, सामने कृष्ण खड़े थे। शंकर को लगा देखेंगे तो पल्लू को और खींचे, खींचते खींचते जो साड़ी की पिन लगी थी जोड़े में, वो खसक गई। सर्च मार के डिलीट कर, बड़े सारी जटा अपने आप नीचे लटक गए। भगवान कृष्ण ने भारत में अकेले आए। भगवान शंकर वापिस बोले, अकेली ही मोबाइल में भगवान कृष्ण ने कहा, माता पार्वती को कहाँ छोड़ दिया? इतने में ललिता